चांद पर बेस बनाने के लिए कई देशों के बीच रेस जोरों पर शुरू हो चुकी है और अब तो कई प्राइवेट फर्म्स भी कंपटीशन में शामिल हो चुके हैं। इसी कड़ी में 23 फरवरी को अमेरिका 50 साल के लंबे वक्त के बाद चांद पर उतरा। वैसे आप जानते ही हैं कि ठीक 6 महीने पहले भारत ने भी चांद के दक्षिणी हिस्से में अपना रोवर सफलतापूर्वक उतारा था। तो क्या चंद्रमा पर अमेरिका की ये लैंडिंग चांद पर परमानेंट बेस बनाने की दौड़ में भारत से आगे निकलने के इरादे से की गई प्लानिंग है? अगर ऐसा है तो इसरो अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए क्या कर रहा है? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, अमेरिकन स्पेस फ्लाइट कंपनी ने चंद्रमा पर स्पेस क्राफ्ट उतारने वाली पहली प्राइवेट फर्म बनकर इतिहास रच दिया। ह्यूस्टन से इंट्यूटिव मशीन्स का ओडिसियस लैंडर चंद्रमा पर साउथ पोल के पास उतरने वाला एक निजी कंपनी का पहला रोबोटिक लैंडर बन गया। इससे पहले चांद पर 50 साल से भी पहले अमेरिका से कोई चीज चंद्रमा पर उतरी थी। 1972 में जब अपोलो मिशन का आखिरी अपोलो 17 का लूनार मॉड्यूल चैलेंजर अंतरिक्ष यात्री जीन सैडन और हैरिसन स्मिथ के साथ चंद्रमा पर उतरा था। ओडिसियस लैंडिंग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी खास है, क्योंकि चंद्रमा पर ये पहली सफल कमर्शियल लैंडिंग है, जो दूसरे प्राइवेट मिशन्स के लिए ऐसी लैंडिंग की कोशिश का रास्ता दिखाता है। एक बार जब निजी संस्थाएं चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से उतरने के लिए कोड को क्रैक कर लेती हैं, तो उनके लैंडर्स का इस्तेमाल चंद्रमा पर कीमती माल और एक्सपेरिमेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कहा कि अमेरिका चंद्रमा पर लौट आया। आज मानवता के इतिहास में पहली बार एक कमर्शियल कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी ने वहां तक का अपना सफर शुरू कर उसका नेतृत्व किया। ओडिसियस 22 फरवरी 2024 की शाम 6:23 पर उतरा। ये 80 डिग्री साउथ में उतरा, लेकिन इसरो का चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 की शाम चंद्रमा के साउथ पोल के पास अपने विक्रम लैंडर को उतारने वाला पहला मिशन बना, जिसने ओडिसियस को 6 महीने पहले ही हरा दिया। भारत का विक्रम लैंडर 69 डिग्री दक्षिण में उस क्षेत्र में उतरा जिसे अब शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर विक्रम के अलावा 26 किलोग्राम का रोवर प्रज्ञान भी मिशन में शामिल था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। इसे चेन्नई से सिर्फ 80 किलोमीटर उत्तर में आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च वाहन मार्क 3M4 पर लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त 2023 को मून ऑर्बिट में प्रवेश किया, जिसके कुछ ही दिन बाद 23 अगस्त को लैंडिंग हुई। विक्रम की लैंडिंग के साथ भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बन गया, जबकि विक्रम लैंडर को केवल 14 दिनों के लिए ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था और उसने सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य को पूरा किया। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी भी शुरू है। ये लूनार ऑर्बिट से हाई अर्थ ऑर्बिट में ट्रांजिट हो गया और अपने काम के नॉर्मल स्कोप से परे हमारे पृथ्वी के बारे में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस करना जारी रखे हुए है। तो जानना चाहेंगे चंद्रयान 3 ने कैसे धरती से चांद तक का अपना ये सफर किया? चलिए आपको बताते हैं। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, चांद के साउथ पोल पर कदम रख चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास, बन गया अब भारत बाकी देशों के लिए एक मिसाल। हर चुनौती को पार कर चांद की सतह पर 23 अगस्त की शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चंद्रयान 3 सबकी उम्मीदों पर खरा उतरा। इसी के साथ चांद के साउथ पोल पर कदम रखने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। माना जाता है कि साउथ पोल पर बने गड्ढे हमेशा अंधेरे में रहते हैं और उनमें पानी हो सकता है। वैसे आपको बता दें, चंद्रयान 3 के लैंडिंग के पहले के आखिरी 17 मिनट चुनौती से भरे थे, लेकिन हर मुश्किल को पार कर चंद्रयान 3 ने जीत का परचम लहरा दिया।
23 अगस्त शाम 6:04 से करीब 17 मिनट पहले लैंडिंग के लिए कवायद शुरू की गई। इसके बाद विक्रम लैंडर का रफ ब्रेकिंग फेज शुरू किया गया। इस चरण में चांद की सतह के हिसाब से यान की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी यानी स्पीड और ऊंचाई को घटाया गया। चंद्रयान 3 की स्पीड करीब 1600 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर आधे से भी कम जब हुई, तब लैंडिंग के फाइन ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हुई। लैंडर जब लैंडिंग साइट से करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर था, तब इसके सभी इंजन बंद कर दिए गए ताकि ये सीधे अपने पैरों पर नीचे आ सके। ये लैंडर के टर्मिनल डिसेंट फेज का आखिरी स्टेज था। ये वही फेज था जिसके बाद लैंडिंग से महज 7 मिनट पहले ही चंद्रयान 2 हादसे का शिकार हो गया था। लेकिन इस बार सब कुछ सही रहा। ऐसे में लैंडिंग के करीब 2 घंटे बाद विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकल गया। पहले लैंडर से रैंप खोला गया, फिर प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल रैंप के सहारे बाहर निकाला गया। लैंडर के लेग मैकेनिज्म को पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत बनाया गया। चंद्रयान 3 के लैंडर का डिजाइन इस तरह बनाया गया कि ये लैंडिंग के समय 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड के साथ भी खड़ा हो सकता है। साथ ही पहले के मुकाबले इसके वजन में 250 ग्राम की बढ़ोतरी भी की गई। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल भी रखा गया, जिसके चलते लैंडर की चांद पर लैंडिंग में कोई परेशानी न हो सके। चलिए अब आपको बताते हैं अब तक कैसी रही चंद्रयान 3 की यात्रा। 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 2 के लॉन्च के पूरे 4 साल बाद इसरो ने चंद्रयान 3 को तैयार कर इस दिन लॉन्च किया, जिसने अगस्त में चांद की ऑर्बिट में प्रवेश किया। इस कड़ी में उसने अपना 5वां ऑर्बिट भी पूरा कर लिया, जो चंद्रयान 3 का सबसे इम्पोर्टेंट फेज था। 31 जुलाई को चंद्रयान 3 पृथ्वी की अंडाकार ऑर्बिट में ही रहा। इसके बाद ये अपने अंडाकार ऑर्बिट के दायरे को धीरे धीरे आगे बढ़ाता गया, जहां चंद्रयान 3 के ऑर्बिट का ट्रांसफर हुआ और फिर 1 अगस्त से 4 अगस्त तक ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद 5 अगस्त को चांद की ऑर्बिट में ये पहुंच गया। इस बीच उसके ऑन बोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी ली। फिर 6 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट पहली बार घटाई गई। इसके बाद 9 अगस्त को इसे और घटाया गया। 14 अगस्त को तीसरी बार चंद्रयान की ऑर्बिट को घटाकर 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर कर दिया गया। इसके बाद 16 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद की चौखट पर दस्तक दी और फिर इसरो ने वापस चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को घटाया। ऑर्बिट घटाने की ये आखिरी प्रक्रिया थी, जिसके बाद चंद्रयान 3 की दूरी चांद से बहुत कम हो गई। लेकिन 17 अगस्त का दिन बहुत खास बन गया। इस दिन चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग हुआ और आखिरकार सारी अग्नि परीक्षा को पार कर चंद्रयान 3 चांद की जमीन को छूने में सफल रहा। इस मिशन के जरिए भारत ने दुनिया को बता दिया कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जिसकी वजह से कमर्शियल बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।